पंचायत चुनाव में निर्दलियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें जिला पंचायत में 144 निर्दलियों की जीत हुई है। भाजपा के 123 प्रत्याशी जीते हैं। कांग्रेस के 33 प्रत्याशियों ने हासिल की है जीत। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव में निर्दलियों ने इस बार बाजी मारी है। अजित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजित, पंचायत चुनाव के जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी जीत का दावा कर रही थी, कॉन्फिडेंट थी, लेकिन निर्दलियों ने इस बार बाजी मारी। दीपिका, देखिए मैं दो चीजें क्लियर करूंगा कि एक तो ये पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव थे, नगरीय क्षेत्र के चुनाव नहीं थे, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे। और इसमें देखिए जो आंकड़ा अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया है कि 144 निर्दलीय और जो तीन अन्य हैं उनको भी आप निर्दलीय में जोड़ लीजिए तो करीब करीब 150 के आसपास निर्दलीय बैठते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है वो 122 तक है, जो पार्टी दावा कर रही है उसमें भी उन्होंने कुछ निर्दलियों को जोड़ा होगा पक्का, क्योंकि हर चुनाव में यही होता है। कांग्रेस का आंकड़ा 66-67 के आसपास आकर रुक जा रहा है। तो आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मैक्सिमम विधानसभाओं में, मैक्सिमम क्या है, चूँकि 70 की विधानसभा में केवल 11 सीटें कांग्रेस के पास है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप ये देखिए अभी नगर निकाय में अपना चुनाव का सफलता का डंका पीट रही थी भारतीय जनता पार्टी। एक भी जिले में जिला पंचायत चेयरमैन बनाने के लिए उनका बोर्ड नहीं आया, उनकी पर्याप्त संख्या नहीं आई। और कांग्रेस जो बिल्कुल मृत प्राय थी वो जिंदा होकर दो कदम आगे बढ़ गई है। मतलब अभी पिछले चुनाव में जब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस 0 और भारतीय जनता पार्टी फुल स्कोर। अभी जो चुनाव हो रहे हैं कि कांग्रेस ठीक उसके आधे में ठहरी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके 122 हैं और इनके 66-67 के आसपास कांग्रेस के हैं। तो देखिए कांग्रेस दो कदम आगे बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी दो कदम पीछे आ गई है। अगर इस तरह के चुनाव, इन चुनावों का इसी तरह का इम्पैक्ट चलता रहा, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात होगी वो केवल मैनेजमेंट का खेल होगा। गवर्नमेंट सब जानते हैं, ये ट्रेडिशनल है पंचायत चुनाव में कि जिसकी सरकार होती है बोर्ड उसी का बनता है, किसी की भी सदस्य चुनकर आए वो मैनेजमेंट होता है, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसी चीज़ को देखता है। ये राजनीति का हिस्सा है, ये नीति का हिस्सा नहीं है, लॉ का हिस्सा नहीं है, लेकिन राजनीति होती है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इन्वॉल्व करके सब सदस्यों को अपने पक्ष में लाया जाता है। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी दो कदम पीछे आई है और कांग्रेस दो कदम आगे बढ़ी है। ठीक है, कांग्रेस उनके बराबर अभी नहीं गई है लेकिन कांग्रेस ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है। जी दीपिका, बिल्कुल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है कांग्रेस पार्टी के। बहुत शुक्रिया अजित आपका इस जानकारी के लिए। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।